हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। चाहे हृदय को ताप दो चाहे मुझे अभिशाप दो, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। डेटेन आउट ऑफ 365 डे चैलेंज। सुप्रभात दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक नए दिन और एक नए ब्लॉग के साथ। अभी सुबह के 3 बज रहे हैं। कैसन बा, ठीक बा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बहुत दिनों से मैं सोच रहा था यार कि ब्लॉग का स्टार्ट मॉर्निंग से किया जाए, लेकिन मैं शूट नहीं कर पा रहा था। तो आज अभी सुबह के 3 बज रहे हैं और आज का ब्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ। आज के बाद आगे की जो भी ब्लॉग आएगी वो लगभग मैं ट्राई करूँगा कि एक स्टार्टिंग फेज जो हमारा ब्लॉग का वो मॉर्निंग का फेज हो, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ मॉर्निंग से करते हैं ना तो हमारा जो दिनचर्या वो संतुलित होता है और बहुत अच्छे तरीके से चलता है, सुचारू रूप से चलता है। तो आज का जो हमारा ब्लॉग होगा ये मॉर्निंग बेस्ड होगा। मॉर्निंग में सबसे पहले मैं पॉलिटी रिवाइज करने वाला हूँ, क्योंकि पॉलिटी जनरली मेरा हो रखा है। और मॉर्निंग में आप किसी भी चीज़ को रिवाइज करोगे तो आपके लिए एक आपका स्ट्रेंथ बन के उभरता है। तो चलिए, हम आज का जो हमारा ब्लॉग होगा वो पॉलिटी के रिविज़न से होगा। पॉलिटी में आज सबसे पहले मैंने जो चैप्टर सेलेक्ट किया था वो था प्रियम्बल, यानी कि प्रस्तावना। जब हम पॉलिटी में प्रस्तावना से संबंधित अध्ययन करते हैं तो हमें आवश्यकता होती है कि उसके एक एक पॉइंट को हम अच्छे से समझें, जैसे संप्रभुता, गणराज्य, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन इत्यादि। क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उस समय हमें ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स दिमाग से निकल जाते हैं और क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है। तो फाइनली हमारा जो सबसे पहला टास्क था पॉलिटी का, इसमें टोटल 12 चैप्टर्स हैं और मैंने 12 फेजेस में इसको डिवाइड कर रखा है। उसके बाद मैं क्या करूँगा अब इसको, कि जैसे कि अभी हमारे सामने अक्टूबर का जो मंथ है ये स्टार्ट हुआ है, आज 2 तारीख है, सो 2 से लेके अब मैं इसको इस मंथ में टोटल 2 टाइम्स रिवाइज करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर 2 अक्टूबर से मैं स्टार्ट करूँगा तो ये करीबन मैं इसे 12 दिन में खींच लूँगा, यानी कि 14 के लगभग जो है मैं इसको 15 मान लेता हूँ, 15 अक्टूबर फर्स्ट फेज एंड 15 के बाद जो लास्ट का जो डेट होगा वो सेकेंड फेज। तो चलिए, ये तो हो गया है, अभी चलते हैं नीचे, क्योंकि रात को भी नहीं गया था और अभी वीडियो एडिट नहीं हुआ है ऑन द टाइम। 8 बजे वीडियो मुझे किसी भी कीमत पे अपलोड कर देना है, क्योंकि ये जो चैलेंज है 365, इसमें बस 2-3 नियम मैंने लगा के रखा है। ऑन द टाइम 8 बजे आना है ब्लॉग और रेगुलर आना है ब्लॉग। तो फिलहाल ज़्यादा बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी हो रही है। और अगर मेरे साथ पापा गए तो उनका तबीयत ख़राब हो जाएगा, तो थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना है यार, फालतू का मौसम ख़राब हो रहा है। और जॉगिंग करने के दौरान अगर इसमें भीग गया तो और भी तबीयत ख़राब हो जाएगा, देख लेते हैं। अभी तो ठीक है मौसम, लगभग के 6 बज रहे हैं और हम और पापा निकल चुके हैं अभी बाहर में एक राउंड लेने के लिए। अभी हम टहल रहे हैं और ये पार्क आ गया यहाँ पे। दूर चलने के उपरांत फाइनली हम पहुँच चुके पार्क के गेट के पास, तो घुस गए हम पार्क में और ये रहा। तो अभी अब किधर जाएं, किधर चलिएगा, इधर, तो चलिए, तो अब चलते हैं इधर और अब लिया जाएगा एक लंबा सा राउंड, यहाँ से स्ट्रेट, फिर वहाँ से रिटर्न लेंगे और एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ बढ़ते हुए। तो फाइनली अभी 2-3 राउंड लेना है और लेने के बाद आज का जो हमारा बाहर का वार्म अप वाला टास्क है वो कंप्लीट हो जाना है। और आज थोड़ा सा कम करेंगे क्योंकि बारिश का दिन था, तो मतलब काफ़ी लेट निकले थे घर से। दिन में आपको जैसा कि मैंने दिखाया ही था कि 5 बजे के लगभग तक बारिश हो रहा था, उसके बाद फिर हम 6 बजे के लगभग निकले ही हैं और दिन देख के आपको एहसास हो ही रहा होगा। फाइनली यहाँ पे हमारा जो है 5 राउंड कंप्लीट हो चुका और लॉन्ग डिस्टेंस है काफ़ी ज़्यादा,
क्योंकि इस पॉइंट से लेके आपका नज़र जितना दूर तक जा रहा होगा वही इसकी एंडिंग पॉइंट है। और इन पूरे पॉइंट को मैंने 5 राउंड में और पापा ने साथ में मिलके कंप्लीट किया है। फिलहाल ये देखिए ये यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए बनाया हुआ है और यहाँ पे रनवे है, यहाँ पे आप दौड़ सकते हैं और करीबन करीबन आधा किलोमीटर का होगा, आधा किलोमीटर का रनवे है, एक साइड से आधा किलोमीटर है, अगर आप दो साइड आगे पीछे घूम लेते हैं तो 1 किलोमीटर के लगभग जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। फाइनली दोस्तों लगाया अभी मैंने पूरा पार्क का एक चक्कर, वो भी जॉगिंग करके, और काफ़ी दिनों के बाद लगाया। ये लास्ट आपका जो एंड नज़र आ रहा है वहाँ से लेके जो आपको ये एंड नज़र आ रहा है ना लास्ट, करीबन करीबन नहीं भी तो 900 मीटर के लगभग होगा, 1 किलोमीटर प्रॉपर नहीं कह सकते बट 900 मीटर के लगभग होगा। वो कंप्लीट कर लिया पापा के साथ, 5 राउंड लगा लिया, उसके बाद अब धूप भी निकलने वाली है देख सकते हो आप पीछे में, तो चलते हैं घर, आज आ ही लेट थे, कल से ऑन द टाइम रहेंगे। तो फाइनली दोस्तों अगेन घर पे आ चुका हूँ और अभी वापस अपने स्टडी चेयर पे बैठ चुका हूँ। रही बात आज पूरे दिन की, तो कुछ खास प्रोडक्टिव डे रहा नहीं आज का, क्योंकि पार्क से आने के बाद कुछ काम आ गया जिसमें लग गया था और ब्लॉगिंग वहाँ पे मैं कर नहीं पाता, हो नहीं पाता ब्लॉगिंग, जिसके कारण शूट नहीं हो पाया था। फिलहाल अभी 8 बजे हैं और 8 से 12 के लगभग अभी मैं अपना क्लास करूँगा, क्लास करने के बाद फिर आज जल्दी सो जाऊंगा क्योंकि 3 बजे से फिर कल का शूट लेना है, ब्लॉग करना है। और जो रूटीन है हमारा 3 बजे उठना है, 3 बजे के लगभग, इस बार ट्राई करूंगा कि 2:30 बजे के लगभग ही हो जाओ क्योंकि अभी 8 बज रहे हैं, 8 से 10 बजे के लगभग, 11 बजे के लगभग जो है वो हिस्ट्री कंप्लीट करूंगा, अंदर टाइम लेके चलना है। आज का जो था वो थोड़ा बहुत कुछ ऐसे काम थे जहाँ पे मैं ब्लॉगिंग कर भी नहीं सकता था कंटिन्यू, तो अभी चलते हैं नीचे में, कल आपसे मिलता हूँ मैं अगले ब्लॉग में। और अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग न्यू नोटिफिकेशन, और आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो अभिषेक महाक्ष सिंह पे, लिंक मैं दे दूंगा वहाँ पे, और या आप चैनल के अबाउट में जाके वहाँ से देख सकते हो लिंक। इस ब्लॉग को यहीं पे करेंगे एंड, क्योंकि आपको पता है कि ये ब्लॉग अगर यहाँ पे ख़त्म होगा तो फिर ही अगला ब्लॉग आने वाला है। और तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।